नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुकानदार को जिंदा जलाने की गुंडों ने दी धमकी, सकरदरा पुलिस स्टेशन के तहत मामला आया सामने। सत्ता और धनशक्ति के बल पर कांग्रेस को मिली उपचुनावों में सफलता, भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप। और गोंदिया पुलिस व C-60 जवानों ने भारी मात्रा में बरामद किया विस्फोटक, नक्सलियों द्वारा आंबेजरी से नागनडोह मार्ग पर बिछाया गया था विस्फोटक। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के सक्करदरा इलाके में एक दुकान से स्मार्ट घड़ियां और बूट खरीदने के बाद पैसे मांगने पर कुख्यात बदमाश अनिकेत काले और उसके साथियों ने दुकानदार अक्षय पिल्लीवार को जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी। अक्षय की शिकायत पर बदमाश अनिकेत काले, उसके साथी रजत उर्फ लल्ला, निखिल फटिंग, बाजारे व अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। सक्करदरा पुलिस के अनुसार आशीर्वाद नगर हुडगेश्वर रोड निवासी अक्षय पिल्लीवार के घर में ही बैंड विला 17 नामक दुकान है। 4 अक्टूबर को शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच अक्षय की दुकान में अनिकेत, रजत, निखिल, बाजारे व अन्य एक युवक पहुंचे, स्मार्ट घड़िया और बूट खरीदे। आधा बिल देने के बाद कहा कि बाकी पैसे हफ्ता समझो। अक्षय और उसके कर्मचारियों ने पैसे देने के लिए दबाव बनाया तो आरोपियों ने अक्षय को धमकाते हुए उसे दुकान के सामने ही जलाकर मार डालने की धमकी दी। आरोपियों ने दुकान के काउंटर का कांच भी फोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। इस घटना के बाद आरोपी काले को हुडकेश्वर इलाके में पुलिस ने हंगामा करते पकड़ लिया। काले को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। सक्करदरा पुलिस ने आरोपियों पर हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया है। हाँ, या प्रकरणामध्ये रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहे अनिकेत काळे आहे, रजत उर्फ लल्ला शर्मा आहे, निखिल उर्फ श्रीकांत फटिंग आहे आणि एक बाजारे आणि एक अननोन व्यक्ती त्यांच्याबरोबरचा, यांच्या विरुद्ध हा खंडणीचा आणि गैरकायद्याची मंडळी जमवली याबाबतचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। सदर प्रकरणामध्ये फिर्यादीच्या दुकानात जाऊन यांनी बूट आणि घड्याळांची खरेदी केली, पूर्ण बिल दिलं नाही त्याला, अपूर्ण दिलं आणि हा आमचा हप्ता समज असं म्हणून तिथून निघून जायला लागले। फिर्यादीने त्यांना टोकले असता फिर्यादीच्या टेबलवरचा काच फोडून तिथे जरा दहशत निर्माण केली आणि हे 5-3 पैकी काही लोकांचं गुन्हेगारी गंभीर स्वरूपाचं असं रेकॉर्ड आहे आणि यांना त्याचप्रमाणे एक हुडकेश्वरच्या एका प्रकरणातही त्यांना अटक करण्यात आली 2 आरोपींना आणि काल रात्रीच सक्करदरा पोलिसांनी 2 गुन्हेगारांना याच्यातल्या अटक केलेली आहे। एक आरोपी अजून अटक होणे बाकी आहे, त्याचे प्रयत्न चालू आहेत आणि गुन्ह्याचा तपास चालू आहे आणि अतिशय सिरियस अशी ॲक्शन त्यांच्यावर आम्ही घेत आहोत। हाल ही में जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनावों में नागपुर जिले में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिस पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रचार सत्ता व धन का था, इस कारण भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा। भाजपा फार धक्का रही है, पण मी काल ही सांगितलं की सत्ता आणि पैसा या दोन्ही गोष्टीचा उपयोग हा खूप मोठा झाला आहे आणि सत्तेचा दबाव टाकून आणि खूप पोलिसांची मदत घेऊन सरकारची मदत घेऊन या ठिकाणी हे निकाल दिसत आहेत। मला वाटतं की सत्तेच्या या दबावामुळं आणि काही लोकांना असं वाटलं जिल्हा परिषदमध्ये काँग्रेसची सरकार आहे त्यामुळं त्याचाही एक फरक पडला आणि एकूण 50-60 आमदार खासदार आणि नेते काँग्रेसचे हे जिल्ह्यामध्ये फिरत होते त्यामुळं की साधारण काँग्रेसनी सत्तेचा वापर करून पदांचा वापर करून मला वाटतं या निवडणुकीमध्ये असं चित्र दिसत आहे
भाजपही त्या ठिकाणी जे आमचं संख्याबळ आहे अजून पूर्ण निकाल यायचे आहेत, भाजप आपलं संख्याबळ मेंटेन करेल असं वाटतं. पण ज्या पद्धतीने काँग्रेस जिंकत आहे ह्या तर संपूर्ण सत्तेमुळे जिंकत असं मला वाटतं. राष्ट्रवादी मी आधीच सांगितलं की जनतेमध्ये आमचा आमदार कुठे ही भावना आहे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कमी होताना दिसत आहे आणि तीव्र नाराजी जनतेची राष्ट्रवादी काँग्रेसवर होती आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी शून्य असं असं मला वाटतं. राजकीयानंतर या निवडणुका होत आहेत, पोटनिवडणुका, ओबीसी हा मुद्दा होता केंद्रित, मात्र याही मुद्द्यावर कुठेतरी मतदारांनी भाजपला फटकारला दिसतं नाही. मला वाटतं विदर्भामध्ये जेवढ्या सीट्स आहेत काँग्रेसच्या, भाजपच्या, राष्ट्रवादीच्या, ओबीसी वरच ओबीसी होत्या, त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा तसा काही खूप मतदारांवर प्रभाव नव्हता. आमचा प्रचाराचा मुद्दा होता की सरकारने 2 वर्षात काहीच केलं नाही आहे आणि काँग्रेसचा आणि बाकी पक्षाचा राष्ट्रवादीचा साधारणतः सर्व विदर्भाचा विचार केला तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा प्रचार त्या ठिकाणी सत्तेचा होता, पैशाचा होता, त्यामुळे मला वाटतं त्यामुळे हा फटका बसलाय. गोंदिया पुलिस ने नक्सलियों का भारी मात्रा में बिछाया हुआ विस्फोटक बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. केशोरी स्टेशन अंतर्गत आंबेझरी से नागनडोह मार्ग पर नक्सलियों ने विस्फोटक बिछाया था. विस्फोटक का पता चलने से बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई. गोंदिया जिला पुलिस विभाग द्वारा नक्सलग्रस्त पुलिस स्टेशन केशोरी अंतर्गत भरनोली आउटपोस्ट के आंबेझरी से नागनडोह मार्ग पर जंगल में बिछाए गए विस्फोटक का जांच अभियान में पुलिस ने पता लगाया. C-60 जवान और पुलिस को पहले से ही नक्सलियों के नापाक इरादों पर संदेह था, इसलिए उन्होंने एक साथ सर्चिंग मुहिम में काम कर नागनडोह जंगल के मार्ग पर बिछाए गए विस्फोटक का जांच मुहिम में पता लगाया. इस दौरान करीब 67 डेटोनेटर, 23 जेलेटिन रॉड, वायर समेत अन्य विस्फोटक सामग्री घटनास्थल से जब्त की गई. पुलिस और C-60 जवानों की सफलता से बड़ा हादसा टल गया. इस मुहिम अंतर्गत सभी सुरक्षित हैं, वहीं पुलिस और C-60 जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन अब भी जारी है. पार्टी पुलिस थाने के DB स्क्वाड ने पेट्रोलिंग के दौरान पुनापुर कामठी रोड पर खड़े चोरी के ट्रेलर को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया. इस ट्रेलर में 33 लाख की लोहे की शीट सांगली पहुंचाई जा रही थी, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी. 5 अक्टूबर को रात में पार्टी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, इसी दौरान पुनापुर कामठी रोड पर 18 चक्के वाला एक ट्रेलर खड़ा था. इसी बीच पुलिस को ट्रेलर के बगल में एक व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में खड़ा नजर आया, साथ ही ट्रेलर के ड्राइवर सीट के बगलामुखी के कांच भी फूटे हुए थे. पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने खुद को ट्रेलर का ड्राइवर बताया, लेकिन पुलिस को संदेह होने पर पुलिस ने फिर सख्ती से पूछताछ की. इस बीच सामने आया कि उस व्यक्ति ने ट्रेलर चुरा कर लाया है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेलर पर मालिक के लिखे नंबर पर फोन लगाया. फोन पर शिकायतकर्ता चंद्रशेखर शिवारे ने बताया कि उनका ट्रेलर कापसी से लोहे की शीट भरकर सांगली जाने के लिए निकला था और उनके ट्रेलर के ड्राइवर ने ट्रेलर को महालक्ष्मी ऑटो सर्विस सेंटर उमिया के सामने खड़ा कर अपने घर खाना खाने गया था. इसी बीच मौके का फायदा उठाकर आरोपी कालू मानिकपुरी ट्रेलर को चुरा कर भाग निकला. पुलिस के ध्यान में आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रेलर और लोहे की शीट समेत पूरा 33 लाख का माल जब्त किया, साथ ही शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज किया. ट्रेलर से लोहे की 33 लाख की शीट सांगली ले जाई जा रही थी, ऐसी जानकारी पारडी थाने के पुलिस निरीक्षक ने दी. दिनांक 5/10/2021 रोजी रात्रो पोलीस स्टेशन पारडी येथील जे आमचा DB पथक आहे ते पेट्रोलिंग करत असताना पुनापूर कामठी रोड आहे त्या ठिकाणी एक ट्रेलर उभा होता 18 चक्का MH 40 BL 33 23 आणि त्यामध्ये काही लोखंडी सीट्स भरले होते आणि बाजूला एक व्यक्ती संशयास्पद स्थितीत गाडीजवळ उभा होता आणि गाडीचे जे ट्रेलर आहे त्याचे काही ड्रायव्हर सीटच्या बाजूचे काच तुटलेले होते त्यामुळे आमच्या DB पथकाला संशय आला. त्यांनी त्या व्यक्तीला विचारपूस केली असता त्यांनी म्हटले की मी ड्रायव्हर आहे या गाडीचा, परंतु पोलिसांना संशय बळावला. तो ट्रेलर आणि तो व्यक्ती त्या पोलीस स्टेशनला आणून त्याला अधिक विचारपूस केली असता त्या गाडीचा ड्रायव्हर नव्हता तो, ॲक्च्युअली ते ट्रक त्याने चोरून आणलेला होता. त्यानंतर त्या ट्रकवरचा जो नंबर होता त्या नंबरवरून आम्ही जे मालक आहेत या गुन्ह्यातील फिर्यादी चंद्रशेखर चिमनलाल शिवरे यांना फोन लावून विचारपूस केली तर त्यांनी म्हणले की हा जो ट्रेलर आहे त्यांचा हा कापसी येथून HR सीट भरून HR लोखंडी सीट भरून
ते सांगलीला पाठवणार होते आणि ही गाडी त्यांची जे महालक्ष्मी ऑटो सर्व्हिस आहे भारत पेट्रोल पंप उमियाच्या सामने इथं उभी ठेवलेली होती आणि ड्रायव्हर नवीन नगर येथील आपल्या घरी गेलेला होता आणि ती तिथून या संशयित इस्माने यातील जो आरोपी आहे इतवारी दास उर्फ कालू शिवनाथ माणिकपुरी चोरी करून हे लोखंडी सीट आणि तो ट्रेलर पळवून येत होता हे आमच्या तपासात निष्पन्न झाले त्यामुळे 41 एकड प्रमाणे आम्ही पहिल्यांदा ते माल आणि तो व्यक्ती ताब्यात घेतला आणि जे फिर्यादी आहे फिर्यादी आल्यानंतर त्यांची रिपोर्ट घेऊन जो यातील आरोपी आहे त्याच्या विरुद्ध आम्ही पोलीस स्टेशन पारडी येथे 523 2021 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे यातील आरोपी विरुद्ध आणि यातील जो गुन्ह्यात चोरीस गेलेला ट्रेलर होता 18 चक्का MH 40 BL 3323 आणि यातील जो SR सीट आहे त्याची किंमत आहे 33 लाख रुपये हे सर्व सांगलीला जाणार होते तर यांनी हे चोरून आणले चोरून नेऊन तो विल्हेवाट लावणार होता तर असा हा गुन्हा दाखल केलेला आहे आम्ही आणि सर्व जो SR सीट आहे 33 लाखाची आणि ट्रेलर आम्ही जप्त केलेला आहे आणि आरोपी आमच्या ताब्यात आहे याचा पुढील उद्देश काय होता कुठं माल नेणार होता याच्यासोबत कोण आहेत आणि याची विल्हेवाट तो कसा काय लावणार होता याबाबत आम्ही त्याचा PCR घेऊन पुढील तपास करू 2 दिन रेल्वे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपूर मंडल द्वारा रेल्वे ई टिकटों के अवैध व्यापार करने वाले टिकट दलालों के विरुद्ध में विशेष अभियान चलाया गया इस दौरान 5 लोगों पर मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया 4 और 5 अक्टूबर को पंकज चुग वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर के निर्देशन में मंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया जिसमें पर्सनल यूजर आईडी पर रेल आरक्षित ई टिकट अवैध तरीके से बनाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया इस अभियान के तहत नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल पोस्टों द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के रेल टिकट बनाने वाले दुकानों को चेक किया गया जिसमें इतवारी पोस्ट छिंदवाड़ा पोस्ट नागबिड़ पोस्ट राजनांदगांव तथा अपराध गुप्तचर शाखा गोंदिया के द्वारा कुल 5 मामले पंजीबद्ध किए गए जिसमें 5 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई और एक एजेंट आईडी को जब्त किया गया साथ ही अवैध तरीके से बनाई गई कुल 13 पर्सनल आईडी को भी जब्त किया गया वहीं जब्त की गई लाइव यात्रा 11 टिकट पुरानी यात्रा 93 टिकट जिसकी कीमत 1,13,597.77 रुपये बताई गई है इस कार्रवाई में अवैध टिकट को बनाने में उपयुक्त सामग्री कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप मोबाइल आदि सामान भी जब्त किया गया उक्त मामलों में कुल अवैध तरीके से बनाई गई 13 व्यक्तिगत आईडी की जांच कर टिकटों का प्रिंट भी निकाला गया सभी मामलों में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कानूनी कार्रवाई कर रेलवे न्यायालय में पेश किया गया वक्त हो चला है एक ब्रेक का मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद लव यू दीपिका बाय सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं Flywheel Aviation Academy 1 degree 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Gandhi Nagar LAD College Square beside Karnataka बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पन्नालाल देवड़िया स्कूल के विद्यार्थियों को महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों टैबलेट वितरित किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के उपलक्ष में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका के पन्नालाल देवड़िया हिंदी माध्यमिक स्कूल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों ई टैबलेट वितरित किए गए इस दौरान गांधीबाग जोन सभापति श्रद्धा पाठक नगर सेविका सरला नायक शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर स्कूल के मुख्याध्यापक श्री कोरमकर स्कूल निरीक्षका खोबरागड़े आदि उपस्थित थे इस दौरान महापौर ने विद्यार्थियों को कहा कि तंत्र ज्ञान का सही उपयोग कर अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें
मंगलवार को नागपुर महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने शहर के 15 मुख्य सड़कों का डामरीकरण करने के निर्देश स्थायी समिति के बैठक में दिया। सभापति ने नागरिकों को हो रही परेशानी देखते हुए ये निर्णय उन्होंने लिया। स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने नागपुर की सड़कों का जायजा लिया था। उन्होंने लोगों को सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से हो रही परेशानी को महसूस किया, जिसके चलते मंगलवार को स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने पिछली बैठक में ही बताया था कि सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है, नागरिकों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए सभापति ने सड़कों के डामरीकरण का निर्णय लिया। इसी के तहत सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अधीक्षक अभियंता अभय पोहेकर ने 15 सड़कों का डामरीकरण का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार ही 16.18 करोड़ रुपये डामरीकरण पर खर्च होंगे। सड़कों पर काफ़ी गड्ढे बने हैं जिसे बुझाना संभव नहीं है, इसलिए डामरीकरण करना पड़ेगा। मनपा के इस निर्णय से अब नागरिकों को थोड़ी राहत मिलेगी। कलमेश्वर शहर के दुर्गा मंदिर परिसर तथा पार्षद मीना शेरभाते के घर के समीप दो महिलाओं को करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना मंगलवार की दोपहर को हुई। इस घटना के बाद परिसर में शोक की लहर पसर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 55 वर्षीय मंजूबाई पुरुषोत्तम विरुलकर तथा 42 वर्षीय अलका विरुलकर कलमेश्वर के वार्ड क्रमांक 6 में रहने वाली है। मंजूबाई दोपहर को अलका के घर गई थी, वह बाथरूम की ओर जा रही थी। वहां बिजली के तार को मंजू का हाथ लग गया, तारों में करंट दौड़ रहा था, वह करंट लगने से गिर पड़ी। मंजू की आवाज़ सुनकर उसे छुड़ाने के लिए अलका दौड़ पड़ी, लेकिन मंजू को शॉक लगा था। जैसे ही अलका ने हाथ बढ़ाया, उसे भी करंट ने अपने चपेट में ले लिया। करंट लगने से दोनों महिलाओं की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई। विगत 2 माह पूर्व अलका के पति निरंजन की मृत्यु हुई थी तथा मंजूबाई शिक्षक कॉलोनी में रहती थी। मंगलवार को कुछ सामान लेने के लिए अलका के घर आई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व जांच कर दोनों को ग्रामीण चिकित्सालय ले जाया गया। इन दोनों महिलाओं की मृत्यु से शहर में शोक की लहर है। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक आसिफ राजा शेख कर रहे हैं। कोल सेक्टर के लाखों कर्मचारियों की नजर कोल इंडिया प्रबंधन और यूनियन की बैठक पर टिकी हुई थी। दिवाली पर बंपर बोनस मिलने पर वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के कर्मचारी भी गदगद हो गए हैं। दिल्ली में आयोजित बैठक में कोल इंडिया के अधिकारी, अनुसंगी कंपनियों के प्रमुख एवं विभिन्न श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष 72,500 रुपये का परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड दिया जाएगा। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा हर वर्ष कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, लेकिन बोनस की रकम इतनी होती है कि सभी सरकारी एजेंसियों की नज़र लगी रहती है। पिछले वर्ष बोनस की राशि 68,000 रुपये थी। यूनियन 1,00,000 रुपये की मांग कर रही थी, लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि 75,000 रुपये में बात बनेगी, लेकिन बैठक में 72,500 रुपये देने पर बात फाइनल हुई। बोनस की यह रकम 11 अक्टूबर के पूर्व भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव श्रेणी के कर्मचारी के रूप में लगभग 34,274 कर्मचारी कार्यरत है। संजीव नंदी ने बताया कि यूनियन की यह जीत है और इससे विदर्भ और मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों में खुशी की लहर है। विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कार्यरत कर्मचारियों पर लगभग 257 करोड़ रुपये बोनस पर खर्च होने से क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा। नवरात्रि में भक्त मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे, इसीलिए कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही प्रशासन द्वारा जारी किए गए कोविड दिशा निर्देशों का पालन करवाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। नवरात्र को लेकर पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। भले ही इस वर्ष भी नवरात्र पर गरबा के आयोजन न हो, लेकिन मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए शहर में 4,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नवरात्र बंदोबस्त में लगाए गए हैं। इनके अलावा 800 होमगार्ड और SRPF की एक कंपनी भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेगी। नवरात्रि के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ कोराडी मंदिर में होती है। केवल कोराडी मंदिर में आला अधिकारियों के अलावा 500 कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा आगरम देवी मंदिर और पारडी के भवानी मंदिर में भी तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया जाएगा। केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रमाण पत्र के साथ मंदिरों में प्रवेश दिया जाएगा। 65 से ज़्यादा और 18 से कम आयु के लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है। नवरात्र के दौरान जागरण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। परिस्थिति को देखकर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। शहर में 436 मंडलों ने अनुमति ली है। CP अमितेश कुमार ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। शहर की स्थिति सुधरी है, लेकिन कोविड का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। जिन लोगों ने वैक्सीन के डोज नहीं लिए हैं, वे मंदिर और भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाए। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।
We'll be right back.